नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और आप देख रहे हैं कि मंगलवार अहले सुबह 6 बजे से जो छापेमारी शुरू हुई थी, आज बृहस्पतिवार है और अभी तक दोपहर होने को है और लगातार छापेमारी अभी तक जारी है। जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, वो यहां पे लगातार हैं और वो अंदर जो कागजात हैं उनको लगातार खंगाल रहे हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी बाहर निकल कर आई है उसमें अब तक 2.25 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, जो कैश है, जिसकी गिनती परसों हुई थी। और उसके बाद जो जेवरात हैं वो लगभग 60 से 70 लाख रुपए का उनका आकलन हुआ है कि उतने राशि के ये जेवरात हैं। लगातार लगभग 20 कभी 22 लोगों की टीम है, कभी 15 लोगों की टीम है, तो ये लोग आते हैं। और कल एक महिला अधिकारी भी यहाँ पे आई थी और उसके बाद से लगातार यहाँ छापेमारी जारी। अब जो पूरा मामला है वो है जो इनके पास संपत्ति के जो कागजात हैं उनका आकलन ही अब ये काम बचा हुआ है, और बाकी जो ट्रांजैक्शन हैं वो कैसे हैं इन पर पूछताछ की जा रही है। कल जो महेंद्र जी हैं उनके बड़े बेटे को अधिकारियों ने अपने साथ बिठाया था अपने गाड़ी में और उनको कहीं अन्यत्र ले गए थे, किसी ऐसी जगह जहां कुछ जानकारी के लिए, कुछ ऐसी जगह थी जहां इसलिए उनको ले गए ताकि वो दिखा सकें कौन सी वो जगह है, वहां पे क्या है, शायद वहां से भी कुछ कागजात इन्हें मिले हैं। तो उन सब चीज़ों को खंगाला जा रहा है और शायद आज देर शाम तक ये पूरी जो छापेमारी की प्रक्रिया है वो शायद समाप्त हो सकती है। हालाँकि जो अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं इस वक्त। इसी बीच कई भ्रामक खबरें भी बाज़ार में आई थीं। यह भी कहा गया कि 22 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी, कहीं कई जगहों पे छापेमारी की बातें आ रही थी, लेकिन हकीकत यही है कि केवल 2 जगहों पे छापेमारी हुई थी, एक भंडारा का जो ये शादी घर है उसमें और दूसरा यहाँ। और भंडारा में का जो शादी घर है वहाँ भी केवल एक अफवाह फैल गई कि भंडारा जो हैं उन पर ये छापेमारी, लेकिन वो नहीं था। वहाँ पे कोई बंगाल के एक नेता आके ठहरे थे, उस मामले को लेकर वहाँ छापेमारी हुई थी और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा था और ये देखने का प्रयास हो रहा था कि क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है। इन सब चीज़ों पर अधिकारियों की नज़र थी और जो वहाँ के कर्मी हैं उनके व्हाट्सएप चैट को खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, लेकिन वहाँ भी 2 से 3-4 घंटे ही केवल छापेमारी हुई। उसके बाद फिर सारे जो अधिकारी हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं इसी जो आप यहाँ अभी देख रहे हैं, ये राजेंद्र गुप्ता जी का जो ये मकान है, परिसर, ये इनका दफ्तर भी है, तो यहीं पे अभी सारे अधिकारी हैं और लगातार छापेमारी अभी तक चल रही है। और अधिक जो जानकारी आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। विस्मय अलंकार, लगातार डॉट इन।